हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप रोज वही साबुदाने वड़े और खिचड़ी खाकर बोर हो गए हो तो ये साबुदाने की अलग सी रेसिपी को ट्राई करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साबुदाना और आलू का पराठा। ये घर में हुए अवेलेबल सामानों से ही बनता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और उसके साथ उसकी टेस्ट भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और साबुदाना पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। साबुदाना पराठा बनाने के लिए मैंने मेजरमेंट कप से आधा कप साबुदाना लिया था। उसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था और सारा पानी ड्रेन आउट करके उसे 5 घंटे के लिए ऐसे ही रखा था। तो एक बोल में साबुदाना लेंगे और उसमें 3 टेबलस्पून रोस्टेड क्रश्ड मूंगफली ऐड करेंगे। पराठे में तीखापन लाने के लिए उसमें ऐड करना होगा 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 टीस्पून जीरा, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। फिर हमें ऐड करना है एक छोटा कच्चा आलू, तो उसे हमें कद्दूकस करके लेना है। फिर हमें ऐड करना होगा 2 टेबलस्पून के करीब दही। इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कच्चा आलू ऐड करने से हमारे मिक्सचर का बाइंडिंग बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर उसमें हम ऐड करेंगे बॉईल करने के बाद मैश किए हुए 2 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को मैंने 4 सीटियाँ देकर बॉईल कर लिया था। अब इसे हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं। तो साबुदाना पराठा बनाने के लिए मिक्सचर रेडी हो चुका है। इस पराठे को बनाने के लिए एक पॉलीथीन या फिर फॉइल पेपर लेंगे। मैं यहाँ पर पॉलीथीन का यूज़ कर रही हूँ। इस पर हमें थोड़ा सा तेल ऐड कर देना है। इसे स्प्रेड कर लेते हैं और मिक्सचर का एक मीडियम साइज का बॉल लेके तेल के ऊपर प्लेस कर देंगे और अपनी उंगलियों से ही उसे स्प्रेड करेंगे। तो इसे हमें राउंड शेप देना है और इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, मोटा ही रखना है, क्योंकि पतला वाला पराठा खाने में अच्छा नहीं लगता है। आप इसे अपने पसंद के साइज़ के रख सकते हो। अगर आपको साइज़ में बड़ा पराठा चाहिए तो आप मिक्सचर ज़्यादा ले सकते हो। तो ये पराठा अब सेकने के लिए तैयार है। तो एक पैन लेंगे और उस पर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को चम्मच के हेल्प से स्प्रेड करेंगे। और तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है तो पराठे को तवे पर डाल देते हैं। पराठे को मीडियम फ्लेम पर ही 4 मिनट के लिए सेकना है। इसे ऊपर से हल्के हाथों से प्रेस करके सेक लेना है। 3 मिनट के बाद पराठे पर ऑयल या फिर घी लगाएंगे। तो अब 4 मिनट के बाद पराठे को हम पलट देंगे। दूसरे साइड को भी हम 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो ये पराठा 3 मिनट के बाद दोनों साइड से अच्छे से सेक चुका है, तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से मैं और एक पराठा बनाऊंगी। तो इस पराठे को आप दही के साथ, नारियल की चटनी के साथ खा सकते हो। अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहे हो तो इसमें धनिया पत्ता डाल सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। ऊपर से क्रंची होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। साबुदाना फ्राई होने में या फिर सेकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए हमें गैस की फ्लेम मीडियम या फिर मीडियम टू हाई रखनी है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।